May the glory of Independence Day be with us forever. Wishing you a very happy Independence Day from me, Dr. Rachna Goragandhi, and my team, Maharashtra Medical Tourism Service Limited. हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक फेमस मंत्र है, बी वोकल फॉर लोकल। पर जब बात आती है हमारे हेल्थ की, तब हम कहीं ना कहीं सुपर फूड्स के पीछे भागने लगते हैं कि ओ ये एक नया खाना है, ये खाया तो हम हेल्दी हो जाएंगे, वो खाया तो लोग और अच्छे दिखेंगे और फिट होंगे। पर दोस्तों, लेट मी टेल यू, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे सुपर फूड्स हैं कि आपको किसी भी तरह के फैंसी फूड्स लेने की जरूरत नहीं है। और सुपर फूड लेने के ये एडवांटेजेस हैं कि दे आर पॉकेट फ्रेंडली, दे आर इजिली अवेलेबल, एंड बायो अवेलेबिलिटी उनका काफी हमारे शरीर में इजिली एब्जॉर्ब होने में वो मददगार होता है। तो हमें उसका एब्जॉर्प्शन इजिली हो, इसलिए हमें इंडियन सुपर फूड ही कंज्यूम करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सुपर फूड्स, हमने मैंने बता दिया उसके एडवांटेजेस हैं, पर अब हम बात करेंगे कौन से सुपर फूड्स हैं जो हमें लेना चाहिए। तो मैं एक पूरी सीरीज इस मंथ ऑफ अगस्त में आपसे शेयर करने वाली हूँ। हर एक वीडियो में हम अलग अलग सुपर फूड्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जाने वाली हूँ एक कॉमन फूड की, जो हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं लेना, या सिर्फ हम अपने उपवासों में या फास्टिंग के टाइम पे लेते हैं, वो है मखाना। मखाना, जिसे हम फॉक्सनट या लोटस सीड भी बोलते हैं, वो बेसिकली कमल के फूलों के बीज है, जिसे पॉपअप किया जाता है, जैसे पॉपकॉर्न को किया जाता है। उसके एडवांटेजेस क्या है? मखाना इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, सो आपके कच्चे मसल्स एंड बोन हेल्थ के लिए मखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप जिम गोअर हो, या आप ग्रोइंग बेबी हो, या आप ओवरऑल फिटनेस फ्रीक हो, तो मखाना आपके डे टू डे मील में होना ही चाहिए। उसका एक और एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आयुर्वेद में आया हुआ है, जो है कि अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हो, बेबी प्लान कर रहे हो, सो यू नीड टू हैव मखाना। व्हाई? बिकॉज मखाना इज अ वेरी गुड एफ्रोडिसिएक, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द वाइगर एंड वाइटलिटी इन मेन एंड फीमेल। उसे गर्भ संस्थापक बोला गया है, यानी आपके गर्भ को यानी फिटस को संस्थापन करने में वो मदद करता है। सो नेक्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू हैव मखाना इफ यू आर हैविंग और इफ यू आर प्लानिंग टू हैव बेबी। थर्ड इम्पॉर्टेंट इसका एक फैक्टर है कि इट इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, एंड एक फ्लेवोनॉइड जिसको हम कैम्फ्रॉन बोलते हैं, वो इसमें काफी प्रमाण में पाया जाता है। सो आपको एक अच्छी एंटी एजिंग का इफेक्ट मखाना खाने से मिल सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट मखाना इज इट इज क्वाइट अ वर्सेटाइल एंड अ ब्लेंड फूड। आप चाहे तो उसको सेवरी फ्लेवर कर सकते हो या स्वीट फ्लेवर कर सकते हो। सो अगर जब भी आपको क्रंची कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप मखाना को सिर्फ 1-2 टीस्पून ऑफ ऑयल या घी में रोस्ट कीजिए इन ओवन और इन कढ़ाई, एंड यू कैन जस्ट एंजॉय और यू कैन जस्ट मंच ऑन दैट स्नैक। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू लूज वेट, बिकॉज उसमें प्रोटीन कैल्शियम तो ही, प्लस लॉट्स ऑफ फाइबर है। तो फाइबर लेने की वजह से हमारा पेट भी थोड़ा भरा हुआ सा फील होगा, एंड यू टेंड टू ईट लेस, जिससे आपको वेट लॉस में भी हेल्प होगा। और अगर आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने मखाना किस तरह से बनाया और आपको कैसा लगा। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि आप मखाने में घी में रोस्ट कर सकते हो, आप उसमें पेपर पाउडर डाल सकते हो, आप उसमें हल्दी और नमक चाट मसाला डाल सकते हो, आप उसे कैरमलाइज मखाना बना के खा सकते हो, बच्चों को अगर खिलाना हो स्वीट। तो बहुत अनगिनत तरीके हैं मखाने बनाने के, आप उसे बनाइए, खाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये खाने के बाद कैसा लगा। दोस्तों, फिर मिलती हूँ अपनी अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।